तो गाइस बात है उस जमाने की, जब मैं हुआ करता था छोटा। अरे अरे मतलब ये वाला छोटा नहीं, ये वाला छोटा। सच्ची बात तो ये थी कि मेरे को नहाना बड़ा पसंद था, लेकिन कोई अपने साथ नहलाता नहीं था। तो गाइस बस उस दिन से तुम्हारे भाई ने सोच लिया कि बस जीऊंगा तो नहाने के लिए और मरूंगा तो सिर्फ नहाने के लिए ही। और गाइस सब्र का इम्तहान खत्म हुआ और वो दिन आ ही गया जिस दिन थी बहुत ज्यादा गर्मी और हमारा शरीर हो रहा था एकदम गर्म गर्म। और बस गाइस फिर निकल पड़े हम ट्रेन के सफर में। और देख सकते हो यार तुम लोग, ट्रेन एकदम ही स्लो चल रही थी, तो तुम्हारे भाई ने सोचा क्यों ना हम यहाँ से छलांग मारे और पैदल पैदल चले। लेकिन गाइस उसी टाइम ट्रेन का टीटी आ गया और उसने मेरे को कहा, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। यार बस जैसे तैसे हम स्विमिंग पूल पहुंचे, लेकिन यार यहाँ पर थी सुंदरियाँ ही सुंदरियाँ। तो यार बस मैंने मन बना लिया कि मैं इनसे स्विमिंग सीखूंगा, लेकिन यार अपनी फूटी किस्मत हमें पापा के परोसे ही काम चलाना पड़ा यार। तो यार गाइस इन्होंने मेरे को सिखाई एकदम ही स्विमिंग वाली निंजा टेक्निक, जिससे तुम्हारा भाई बन जाएगा एकदम हाई टेक वाला स्विमर। लेकिन यार तैरना तो आया ही नहीं। लेकिन 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 गाइस यार वहाँ थी बहुत सारी सुंदरियाँ, तो यार मैंने भी बिना कुछ सोचे माउंटेन ड्यू का घूंट लगाया और एकदम ही पानी में कूद पड़ा। लेकिन फिर मेरे साथ कुछ ये हुआ था। Surely get burned if you reach out and touch. My mind is a battle, I'm trying to. बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो अब। तो बस यार आज के लिए इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो गाइस वीडियो को कर देना लाइक, अपने दोस्तों के साथ कर देना शेयर, और यार मेक श्योर कि तुम चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यार मोस्ट ऑफ द पीपल यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो चलो गाइस मिलता हूँ तुमसे किसी और नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।